क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द क्वेश्चन डायग्राम हमें दे रखा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑन ऑफ ब्लॉक. फर्स्ट पार्ट में हमें दिखा एफ इक्वल टू क्या दे दिया हमें, 5 न्यूटन. तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, अगर इसके दो कंपोनेंट लें तो इधर आ जाएगा कोस 50 कोस 30 डिग्री यानी कि 50 25 √3, और इधर क्या देगा 25 यानी कि 50 sin 30 डिग्री. मतलब अप्लाइड फोर्स क्या रहा हमारे पास, नेट अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन, बिकॉज 25 ये लग रहा है 5 इधर से लगा, तो नेट अप्लाइड फोर्स क्या 30 न्यूटन. तो हमारे पास एफ फ्रिक्शन फोर्स क्या देगा, न्यू कितना है 2√3/5 और एन कितना है 25√3. तो 30 न्यूटन क्या गया अप्लाइड फोर्स. तो हमारे पास एफ नेट क्या आ गया 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा 0, बिकॉज अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या है इक्वल. ओके, अप्लाइड फोर्स इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के, तो दैट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0. सेकेंड पार्ट में पूछा गया एफ इक्वल टू क्या हमारे पास 10 न्यूटन. अगर एफ 10 न्यूटन लगा दिया तो अप्लाइड फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 35 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारे पास 30 न्यूटन. तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इज 5 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 5/5, नेट फोर्स बाय में मास, तो 1 m/s² हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया कि एफ इक्वल टू क्या है 20 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू 20 न्यूटन देते हैं, अप्लाइड फोर्स 20 + 25 यानी कि 45 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारे पास 30 न्यूटन. तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इज 15 न्यूटन. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 15/5 यानी कि 3 m/s² हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज द आंसर.